करीमगंज में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता के नाम पर ठगबाजी का मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर मस्जिद के इमाम को पैसा लेकर फरार होने की जानकारी है। फरार इमाम पर फोर्थ ग्रेड में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए ठगने का आरोप है। आरोपी ठगबाज की पहचान अकबरपुर गाँव के मस्जिद के इमाम मही उद्दीन के रूप में की गई है। फरार ठगबाज को जमाल नामक व्यक्ति ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर महीउद्दीन को उक्त पैसे दिए थे। उधर मामले में थाने में इमाम महीउद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। महीउद्दीन एर बोले ताई हमारे जो हमारे सैलरी अटा सहरी दी था सहरी दवात को जिन ताई जे हिम्मत होगी तो हमारे शॉर्टकट मनुष्य एर बोले बोवस को दो जिन ताई डाइनेट मनुष्य তে এখন তাইন কইছেন আমার 100 টাকা লাগে, আমি বললাম 100 টাকা লাগে, তাই কইছেন 3 লাখ টাকা লাগে। যে আমি প্রথম দিন দিছি আপনার 1,70,000 টাকা মহিনুদ্দিন ওটাই। এরপরে তাইন কইছেন যে আমার অফিসার আইব, অফিসার ওটাই দিছি, গুগল পে দিছি 1,80,000 টাকা। ওপরে এখন তো আপনার রিজাল্ট হয়ে গেছে, রিজাল্ট হওয়ার পরে এখন অফিসার দেখব এগুলো নাম কইছেন সবলা বাদুরি বদরপুর শিবগুড়ি কইছেন যে ওটা তোমার অফিসার ও তো টাকা টুকা দিছি দিয়ে এখন তো সাহেব সাহরি রিজাল্ট হয়ে গেছে। আমি গরিব মানুষ, কোনো পয়সা বাড়ি ভাই আর না, পরে মেসাবরে তাকদা দিলাম, মেসা হইলে তোমার টাকা লাইন করে দিয়ে আর আমি হিমন্তগুলোকে মাতি আর।